अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कम्बलपली सदासीपेट मंडल एमआईएम के जनाब पाशा कादरी साहब एमएलए याकूबपुरा के हाथों मस्जिद आमिना का इफ्तिताह अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक सदासीपेट टाउन प्रेसिडेंट अलहज रियाजुद्दीन साहब और संगारेड्डी टाउन प्रेसिडेंट निज़ामुद्दीन साहब, ज़हराबाद टाउन प्रेसिडेंट अत्तर साहब और हैदराबाद से आए हुए मेहमान खुसूसी और सदासीपेट ईदगाह कमेटी के सदर अकबर हुसैन साहब, सदासीपेट के प्रेस क्लब प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हाजी साहब, राफे अल्तमस साहब, खिदमत बैंक प्रेसिडेंट अशफाक पटेल साहब और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सद्दाम बिछड़ो। सद्दाम हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ, महमूद से गुजारिश करता हूँ कि जो है आज मेरे मेहमान मोहतरम मौलाना ततीब साहब मस्जिद हाजा मुसलियान मस्जिद हाजरीन ग्राम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी इस बस्ती में, इस गांव में एक मस्जिद की तामीर जदीद के जरिए इसको आरास्ता किया गया ताकि मुसलमान इबादतों के जरिए इसका इससे इस्तेफादा करे। और ये काम वही लोग करते हैं जिसको अल्लाह मुंतखब करता है, हर एक के बस की बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी ख्वाहिश होती है लेकिन उनके पास अजबाब नहीं होते, लेकिन ख्वाहिश पर ही उलमा किराम का बोलना यह, उनकी नीयत अगर हो जाए तो परवरदिगार की रहमत का नज़ूल हो जाता है उनके लिए। यह गरीब आदमी है जिसके पास इस्तेआत नहीं है लेकिन मस्जिदों को देख के वो तड़प के रह जाता है कि काश अल्लाह मुझे दौलत दी, अल्लाह मुझे पैसे दिए, मैं भी एक मस्जिद तामीर करूँ। उसकी ये नीयत, उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है और अल्लाह अपने इनाम से उनको सरफराज फरमाता है। और मस्जिद के ताल्लुक से तो ये हुक्म है कि जो बंदा अल्लाह के घर की तामीर करता है या उस तामीर में कुछ हिस्सा लेता है तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि जन्नत में इसके नाम का एक घर बना दूंगा। तमाम अच्छे नेक कामों में सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे अजगर जो काम है अल्लाह की, अल्लाह के घर की तामीर का काम है। इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। यार बहुत सारे मदारिस है जिसका अजर सवाब परवरदिगार अता करता है लेकिन अल्लाह के नाम पर अल्लाह की इबादत के लिए जो घर तामीर किया जाता है जिसको हम मस्जिद कहते हैं, उस मस्जिद से के तामीरी काम से बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है। ये सबसे अच्छा काम है और ये अल्लाह के मुंतखब बंदों के जरिए ये काम कराता है। जिससे भी अल्लाह काम कराना चाहता है उसको उसके बाद अजबाब मुहैया करता है और उसके बाद वो काम की तकमील होती है तो अल्लाह उसको कबूल और मंजूर करता है। तो अजबाब पर नजर मत रखिए, अल्लाह की कुदरत पर नजर रखिए। मुझे